नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 200 सालों तक हमारे लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद राष्ट्र बनता है। लेकिन आजादी की इस लड़ाई में जिन लोगों का कोई भी योगदान नहीं था, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका हमेशा यही कोशिश रहा कि किसी भी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा किया जाए और धर्म के आधार पर सत्ता तक पहुंचा जाए। और दोस्तों, हुआ भी यही, धर्म के नाम पर बने एक अलग देश पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, जो कि दोनों ही देशों का सबसे बड़ा खूनी इतिहास बना। इसके बाद जब पाकिस्तान ने मांग की जम्मू कश्मीर धर्म के हिसाब से पाकिस्तान को मिलना चाहिए, तब शुरू हुआ दोनों देशों के बीच लड़ाई, जो आज तक जारी है। 4 बार पाकिस्तान ने कोशिश की है जम्मू कश्मीर लेने की और चारों बार ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। 1971 में तो भारत ने लगभग पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में आजाद करा दिया गया। सबसे पहले दोस्तों, थोड़ा सा कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत से हमारे पड़ोसी देशों में रहने वाले लोगों को शायद इस इतिहास के बारे में पता ना हो, या फिर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शायद उन्हें कभी ये जानने का मौका ही नहीं मिला है। खैर, लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि 5,000 वर्ष से भी पुरानी है, जैसा कि पुराणों में साफ उल्लेख मिलता है, और रामायण महाभारत से भी प्राचीन सभ्यता है कश्मीर, जो कि सनातनी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए आज भी धर्मस्थली है, जहाँ 5,000 वर्ष पुराने बाबा अमरनाथ है, जहाँ हजारों वर्ष पुराने माता वैष्णो देवी को पूजा जाता रहा है लाखों करोड़ों हिंदुओं द्वारा, वो है असली कश्मीर। लगभग हजारों वर्षों तक हिंदू राजवंशों ने 1346 तक कश्मीर पर शासन किया। उसके बाद यह पवित्र भूमि मुस्लिम शासन के अधीन आया। मुस्लिम काल लगभग 500 सालों तक चला, जब तक कि कश्मीर को 1819 में पंजाब के सिख साम्राज्य में और फिर 1846 में जम्मू के डोगरा साम्राज्य में मिलाना दिया गया। इसी बीच तेजी से धर्मांतरण हुए, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ दिया गया, लाखों कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया या तो फिर भगा दिया गया, जो आज तक जारी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा भी एक हिंदू राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ विलय किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से लीगली जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया, पर पाकिस्तान ये आज भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद बहुत सारे गलत राजनैतिक सिद्धांत के चलते जम्मू और कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, जिसे आप आज पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हो। दोस्तों, भारत का साफ मानना है कि पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर, जिनमें पीओके और गिलगित बल्टिस्तान भी शामिल है, प्राचीन समय से भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तो धर्म के आधार पर कश्मीर चाहिए। तो आइए, आज की इस वीडियो में भारतीय गणराज्य जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें कि गिलगित बल्टिस्तान भी शामिल है, दोनों के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि आज़ादी के लगभग 76 वर्ष बाद दोनों ही कश्मीर के इलाकों में कितना फर्क आया है और कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। और अगर दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों हम बड़े मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी का मिला है। इसीलिए आज की इस कंपैरिजन में हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिनमें लद्दाख बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और पीओके में पाकिस्तान का सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान दोनों को ही हमने शामिल किया है, क्योंकि भारत
पूरा पीओके, जिनमें गिलगित बल्टिस्तान भी शामिल है, उसे अपना इलाका मानता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ पूरा पीओके का कंपैरिजन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। वही सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का कैपिटल है मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्टिस्तान का कैपिटल है गिलगित। चलिए अब बात करते हैं एरिया की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की टोटल एरिया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें कि गिलगित बल्टिस्तान भी शामिल है, टोटल एरिया है 85,793 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में 1,22,00,000 लोग रहते हैं। वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 19,37,000 लोग रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी की। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की नॉमिनल जीडीपी है $25 बिलियन। वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की टोटल नॉमिनल जीडीपी है $3.2 बिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के 25% लोग बेरोजगार है। वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 46% लोग बेरोजगार है। लिटरेसी रेट। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की साक्षरता दर 67% है। वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की साक्षरता दर 76% है। पॉवर्टी रेट। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के 12.58% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आजाद कश्मीर में 39.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है और गिलगित बल्टिस्तान के 42.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने पर मजबूर है। चलिए अब बात करते हैं रिलीजन की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 68.31% इस्लाम, 28.44% हिंदू, 1.88% सिख, 0.90% बुद्धिस्ट, 0.28% क्रिश्चियनिटी, 0.02% जैन और 0.01% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 97% इस्लाम और 3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेज। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, इंग्लिश, गोजड़ी, पहाड़ी, पंजाबी, भड़वही, बेटरी, खवार, शीना और बुरुश की भाषाएं बोली जाती है। वहीं पर पीओके में उर्दू, पहाड़ी, पथवाड़ी, गोजड़ी, हिंदको, कश्मीरी और पंजाबी भाषाएं बोली जाती है। चलिए अब थोड़ा सा घूमने फिरने की बात की जाए। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में आप श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम, जम्मू, दाल लेक, सोनमार्ग, कटरा, बाबा अमरनाथ गुफा, माता वैष्णो देवी मंदिर और डिचिंगम नेशनल पार्क घूम सकते हो। वही पीओके में आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट, नीलम वैली, नारगोला वाटरफॉल, हुंजा, सकाड़ू, गिलगित, डोमेल और केटू माउंटेन्स जैसे जगहों पर घूम सकते हो। चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी अब खुल चुका है और अब देखिएगा आने वाले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदलने वाला है। जैसा कि अब सभी को पता चल चुका होगा कि यूएई ने ऑलरेडी 2,000 करोड़ से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया है और हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, लेकिन अब 38,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रस्ताव है और भारत सरकार द्वारा आने वाले समय में यह निवेश 70,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। शुरू की गई परियोजना में बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना और 108 जन औषधि केंद्र शामिल है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर मेट्रो रेल परियोजना, रेलवे कनेक्टिविटी को और मजबूत किया गया है, जिसके तहत दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज शामिल है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों में जमीनी स्तर पर विकास कार्य के लिए जम्मू कश्मीर में पंचायतों को सीधे 22,000 करोड़ रुपया भेजे गए थे। एजुकेशन में 22 डिग्री कॉलेज, 2 कल्चरल यूनिवर्सिटी, IIM जम्मू, IIM से जम्मू जैसे दुनिया भर में मशहूर शिक्षा केंद्र शामिल है। पर्यटन को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। वही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम POK की बात करें तो एक तरफ जहाँ भारतीय गणराज्य जम्मू कश्मीर का भारत सरकार द्वारा निरंतर विकास किया जा रहा है, वही POK अभी भी अविकसित है। कोई भी बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट हमको नहीं मिला जो POK में अभी चल रहा है, सिवाय पाकिस्तान चाइना की सो कॉल्ड CPAC परियोजना के, वो भी अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिसका भारत सरकार ने सख्त तौर पर विरोध जताया है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि कश्मीर का कौन सा हिस्सा ज़्यादा डेवलप्ड है, और हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या POK को खुद ही भारत के साथ शामिल हो जाना चाहिए या फिर भारत को कोई मिलिट्री एक्शन करके उसे वापस लेना चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, और वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए ताकि पूरे दुनिया को कश्मीर के विकास और POK का हालात के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंपैरिजन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।